हमारा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्रिबलाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक खास उपाय बताऊंगा। अगर दोस्तों इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलता है, फिटकरी जो होती है दोस्तों, ये सारी तमाम प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है इसको हटाने की बहुत ही ज्यादा ताकत रखती है। इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप। पानी में एक गंदा पानी का कोई पात्र लीजिए, उसमें फिटकरी को डाल दीजिए। ये नेचुरल बात बता रहा हूं। आप उसमें डालेंगे तो देखेंगे कि गंदगी एक तरफ हो जाती है। तो कुदरत ने फिटकरी में कुछ ऐसे विशेष गुण दिए हैं, दैविक गुण दिए हुए हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी में अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, तो उनको हटाने में दोस्तों ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है फिटकरी। दोस्तों नेगेटिविटी हटाने के लिए सबसे ज्यादा सिद्ध चीज है। हमारी जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं। ब्रह्मांड में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब जैसे देव है, दानव है, देवताओं का काम है अच्छा काम करना, दानव का काम है बुरा काम करना। तो आपकी जिंदगी में यदि नेगेटिविटी है, यानी कि आसुरिक शक्तियां हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। आसुरिक शक्तियां अगर होंगी तो जिंदगी में परेशानियां, संघर्ष, ऑब्स्टिकल्स लगे रहेंगे। लेकिन इनको आप हटा करके दैवी शक्तियों को यदि आप अपने घर में, अपने ऑरा में शामिल करते हैं, तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे एक उपाय मैं छोटा सा आपको बताऊंगा। और उससे पहले दोस्तों ये बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश, अशांति रहती है, मानसिक तौर पर पीड़ित रहते हैं, तो घर का थोड़ा सा ना उतारा जरूर करते रहा करें। हफ्ते में एक दिन या महीने में दो दिन, जैसे कि सिया सॉल्ट होता है, डिगले वाला नमक होता है, ये ले लें आप। पीली सरसों ले लें, लाल मिर्च ले लें साथ, और इनको पूरे घर से उबार के 7 बार और कहीं गंदी जगह फेंक करके आ जाया करें। इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये हट जाती हैं। दोस्तों ये प्रयोग हमेशा करते ही रहें। और जल का उतारा जो होता है दोस्तों, ये तो हमेशा डेली कर सकते हैं आप लोग। क्या करें, घर का जो मेन डोर होता है, जो गेट होता है, वहां पर खड़े होकर के तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल ले लें और 7 बार पूरे घर में ऐसे ऊपर से ऐसे करके पूरे घर से ऐसे उबार दें। तो इससे डेली में जो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आ जाती है तो वो आपके घर से चली जाएगी। दोस्तों घर का उतारा करने से क्या होता है, पूरा घर प्रोटेक्ट रहता है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, माता लक्ष्मी स्वयं वहां पर आकर निवास करती हैं। और दोस्तों आज मैं आपको फिटकरी का एक उपाय बताऊंगा। आप इसको, कोई बहुत बड़ी परेशानी है, कोई असाध्य बीमारी है, या फिर कोई ऐसा बड़ा काम है, शत्रु है, या कोर्ट कचहरी का मामला है, कर्ज की समस्या है, जो चीज चाहते हैं कि अभी जिंदगी से मेरे चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए, तो इस प्रयोग को आप मंगलवार के दिन में कर सकते हैं, बुधवार के दिन में कर सकते हैं, शनिवार, रविवार, ये खास दिन होते हैं, ये खरे दिन कहलाते हैं। इस दिन यदि कोई प्रयोग करते हैं तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों क्या करना है आपको, आप जिस भी परेशानी से, आप ये प्रयोग जो बता रहा हूं घर का हर मेंबर्स कर सकता है। आप चाहते हैं कि घर के हर मेंबर्स की परेशानी से मुक्ति चाहिए, या आप अपने लिए करना चाहते हैं? अगर हर मेंबर्स के लिए कर रहे हैं तो सभी के साथ में उतारना है। फिटकरी का एक बड़ा सा आपको टुकड़ा लेना है, मंगलवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शनिवार के दिन में, रविवार के दिन में। ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं तो 7 बार आपको ऐसे करके सीधे हाथ में आपको क्या करना है, जो आपने फिटकरी लिया है बड़ा सा, इतना बड़ा टुकड़ा लें, सीधे हाथ में रखें, 7 बार अपने आप से उतार लें। अब तवा रख दें गैस पे, जब तवा गर्म हो जाए तो आपको क्या करना है, ये फिटकरी उसमें डाल देनी है। ठीक है, और फिटकरी को देखते हुए आपको 3 बार ये बोलना है कि ये परेशानी मेरी जिंदगी से जाना चाहिए, या ये परेशानी मेरी जिंदगी से चली गई है, टोटली परेशानी मेरी जिंदगी से चली गई है। उस चीज को विजुलाइज करें, वो गरीबी हो सकती है, कर्जा हो सकती है, बीमारी हो सकती है, रोग हो सकता है, या फिर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, वो चीज है, जो भी चीज चाहते हैं कि अब ये मेरी जिंदगी से चली जाए।
तो उसको फिटकरी को देखते हुए आपको ये तीन बार आपको बोलना है, एक बार में एक परेशानी के लिए बोलेंगे, ठीक है। एक बार जब प्रयोग करेंगे तो सिर्फ एक परेशानी ही बोलना है, जब पहली परेशानी दूर हो जाए तो दूसरी परेशानी के लिए इस प्रयोग को करेंगे, लेकिन एक बार में एक परेशानी के लिए। फिर तब जब जब आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा पिघल जाए उसमें फिटकरी, ठीक है, जब उसमें पिघल जाती है तो आपको गैस को बंद कर देना है, उसको रख दें, थोड़ा सा ठंडा होने दें, जब ठंडा हो जाए तो उसको खरोंच लें, पूरा उसका पाउडर जो होगा वो निकाल लें। अब किसी काले कपड़े पे इस पूरे पाउडर का आपको निकाल लेना है, और दोस्तों याद रहे कि जैसे ही आप इस पाउडर को निकालते हैं तो उसके बाद में उस काले कपड़े में रख करके उसकी पोटली बना के आपको घर में रुकना नहीं है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं, वो उसमें समाहित हो चुकी होगी, आपकी जो परेशानी होगी, जो भी आपने परेशानी बोली थी वो उसमें समाहित हो गई है, तो उसको पकड़ करके और तुरंत घर से बाहर निकल जाएं। आपको जैसे ही आप उसमें पूरा पलट लेंगे उसके बाद में उठाएं और तुरंत सीधे घर से बाहर। अब आपको ऐसी जगह जाना है जहां पर गंदा नाला हो, ठीक है, या कोई गटर वगैरह हो, या कोई गंदी नाली हो, गंदा पानी जहां बहता हो, वहां पर ले जा करके इसको आपको पूरी ताकत के साथ में, जितनी ताकत लगा सके उतनी ताकत से उसको फेंक दें वहां पे, और फेंक करके वापस जब पलटेंगे, जब आप घर आने के लिए वापस पलटेंगे तो पीछे पलट के ना देखें, घर वापस आए, घर वापस आने के बाद में थोड़ा सा हाथ पैर धो लें, मुंह से कुल्ला कर लें, उसके बाद में आप अपने दूसरे काम को कर सकते हैं। एक बार में एक परेशानी के लिए, दो तीन बार इस प्रयोग को करिए दोस्तों। कोई भी बड़ी परेशानी होगी आपकी, आप देखेंगे कि एक दिन में, अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है तो आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, अगर कोई बीमारी वगैरह है तो उसमें आप देखेंगे कि असाध्य रोग वगैरह, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई शत्रु अगर परेशान कर रहा है तो वो तो एक ही दिन में शांत हो जाएगा। कर्ज की समस्या है अगर, तो इसमें दोस्तों दो तीन बार प्रयोग करें इसके लिए, क्योंकि कर्ज की समस्या बड़ी होती है, छोटा मोटा कर्ज होगा तो धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। गरीबी है, पैसे नहीं आ रहे घर में, तो आपको जब फिटकरी का उतारा करेंगे आप, उस समय आपको गरीबी बोलना है कि गरीबी मेरी जिंदगी से टोटल जानी चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में ऐसे योग बनेंगे कि धन प्राप्ति होने लगे, आपके घर में पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा, या जो भी टू जेड कोई परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। पूरी श्रद्धा विश्वास से करिए दोस्तों, विश्वास से करेंगे 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी दूर होगी। बहुत ही खास और दिव्य प्रयोग आपको दे रहा हूं मैं। फिटकरी दोस्तों बहुत ही दैविक गुण होते हैं इसमें, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के। और दोस्तों हमेशा घर का उतारा जरूर करते रहा करें, क्योंकि घर में अगर आप हमेशा उतारा करते रहेंगे तो घर में वैसी परेशानी कभी नहीं आएगी, घर हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा, नकारात्मक ऊर्जाएं घर नहीं करेंगी, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, तो हर काम सोचा काम आपका बनेगा, जो काम आप सोचेंगे सोचने मात्र से काम बनेगा, अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, अच्छी संगति मिलेगी। करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।